Assalamualaikum dear students, I hope you're all fine. आज मैं आप लोगों को computer sciences के long question 9th class की जो है इस वीडियो में बताऊंगी ताकि आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकें। short questions की वीडियो मैं already upload कर चुकी हूँ, किसी ने नहीं देखी तो वो लाजमी जाके देख ले। और अभी हम start करते हैं वीडियो without wasting any time और जानते हैं कि computer sciences के long questions कौन कौन से important तरीन है। फुल स्क्रीन कर लूंगी, आप लोग स्क्रीन शॉट ले सकते हैं और आप लोग जो है वो नोट डाउन भी कर सकते हैं, मगर जो मैं वर्बली बोलूंगी ना वो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट होंगे, वो आप लोगों ने स्किप नहीं करने। बाकी बेशक आप लोग एक नजर जरूर देख लीजिएगा क्योंकि बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। अच्छा, सेकंडली मैं आपको ये कहूंगी कि आप लोग जो है ना पहले जाके पेयरिंग स्कीम देख लीजिएगा कंप्यूटर की, जो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, अगर किसी ने नहीं देखी तो वो लाजमी देख लें ताकि आप लोग उसके अकॉर्डिंग जो है अपने क्वेश्चंस की तैयारी करें। चैप्टर वाइज लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं बता रही मैं, क्वेश्चन वाइज बता रही हूँ जो आपके पेपर में आते हैं। इस तरीके से कि क्वेश्चन नंबर ये वाला क्वेश्चन इतने में, इस वाले पार्ट में इतने लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि एक लॉन्ग क्वेश्चन में दो पार्ट्स होते हैं और उसमें दो दो चैप्टर्स इंक्लूड होते हैं, तो पेयरिंग स्कीम आप लोग लाजमी देख लीजिएगा। चलिए जी वीडियो स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह करके और आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 जो होता है वो आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन में इंक्लूड होता है। उर्दू मीडियम वाले उर्दू में देख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में भी देख सकते हैं। मैं इंग्लिश में बोलूंगी तो आप लोग उर्दू में आगे उसकी जो आगे डिविजन हुई है उसमें देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला सवाल है, व्हाट इज मेंट बाय प्रॉब्लम डिटरमिनेशन, ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ इट इज अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, हाउ टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, राइट एन एक्सप्लेनेशन of determining the essentials of a flow chart, explain the four signs for the formation of algorithm. Spelling थोड़े से गलत लिखे हुए हैं इधर, मगर algorithm है, ठीक है। उसके बाद next है, explain the symbols used in a flow chart, what is the test data, explain three types of test data in detail, ठीक है। उसके बाद what is meant by planning to solve a problem, what is the different प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज, प्लीज एक्सप्लेन इट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इसमें 13 के करीब क्वेश्चंस है, बाकी आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख लें। 13 है, ज्यादा नहीं है, दो चैप्टर्स के हैं, इंपॉर्टेंट है और आप लोग कर लीजिएगा आराम से, ठीक है। नेक्स्ट हम भरते हैं जो उसको क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, सवाल नंबर 6 की तरफ, जो कि डिटेल क्वेश्चन में ही है, लॉन्ग क्वेश्चन में ही है। उसमें कौन कौन से क्वेश्चन है, 1 से लेकर 14 तक, मतलब 14 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट है, सारे ही देख लीजिएगा। कि नंबर 1 पे है, राइट नोट्स ऑन स्टार एंड रिंग टोपोलॉजी, व्हाट इज मेंट बाय डाटा कम्युनिकेशन, राइट नोट्स ऑन द कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। नेक्स्ट है, राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, ठीक है, फाइल शेयरिंग, हार्डवेयर शेयरिंग, इन दोनों पे आपने नोट लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, डिफाइन TCP/IP प्रोटोकॉल, ऑल्सो एक्सप्लेन टू लेयर्स ऑफ नेटवर्क लेयर्ड मॉडल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। के बाद है, राइट नोट्स ऑन द रिंग टोपोलॉजी एंड मैश टोपोलॉजी। अच्छा, ये जो है ये एक ही आ सकता है, मतलब टोपोलॉजी के हवाले से ही एक क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने डिफरेंस बताना है टोपोलॉजी एंड रिंग टोपोलॉजी के बीच में और उसकी एडवांटेजेस लिखनी है, ठीक है। इसके बाद जो आगे देख सकते हैं 14 के करीब क्वेश्चन है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 13 वाला, व्हाट इज मेंट बाय फिशिंग अटैक, डिस्क्राइब थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिशिंग ईमेल, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं बाकी क्वेश्चन 14 के 14। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, उसके इंपॉर्टेंट भी 14 के करीब लॉन्ग क्वेश्चन है। नंबर 1 पे है, व्हाट इज डाटा एनकोडेड, राइट डाउन एनी थ्री इश्यूज रिलेटेड टू डाटा सिक्योरिटी। नंबर 2 पे है, व्हाट इज मेंट बाय फिशिंग अटैक, डिस्क्राइब द एडवांटेजेस ऑफ फिशिंग ईमेल्स एंड फिशिंग वेबसाइट। अच्छा, ये ऊपर भी था और नीचे भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन डेनियल ऑफ सर्विस DOC अटैक इन डिटेल। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है देख ले, 14 है, मैं सारे नहीं बोलूंगी, जो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो बोलूंगी। इधर से नंबर 6 वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट डाउन नोट ऑन एडवांस फी फ्रॉड एंड हैकिंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद है, व्हाट इज साइबर क्राइम, राइट नोट्स ऑन एडवांस फी फ्रॉड एंड हैकिंग। इसके बाद है, डिफाइन सॉफ्टवेयर पायरेसी, एल एक्सप्लेन एनी थ्री टाइप्स इन डिटेल। उसके बाद 13 वाला क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 13 और 12 दोनों, व्हाट इज साइबर क्राइम, एक्सप्लेन एनी थ्री टाइप्स वाला, और 13 वाला, गिव फोर एग्जांपल ऑफ पायरेसी कंसर्न्स रेज्ड बाय लार्ज डेटा सेट्स। उसके बाद लास्ट वाला भी देख लें, क्वेश्चन नंबर 14 जो है, राइट इन डिटेल एनी फोर एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू सिक्योरिटी।
ये आपके कंप्यूटर साइंसेस के इंपॉर्टेंट 3 लॉन्ग क्वेश्चंस थे जो मैंने बोले हैं, वो तो लाजमी करने हैं। जो अगर मैंने नहीं बोले वो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, उनको भी आप लोग रीड आउट कर लीजिएगा। 14 क्वेश्चंस है, ज्यादा नहीं है, तो आप लोगों के लिए बेहतर होगा कि आप लोग इन सबको एक एक नजर देख लीजिएगा, मगर जो मैंने वर्बली बोले हैं उनको लाजमी कीजिएगा, ठीक है। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आई होप इनमें से ही क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाए। अच्छे से तैयारी कीजिएगा, तैयारी के साथ साथ मैं दुआ भी करूंगी कि जो हम आपको बताते हैं अल्लाह करे उन्हीं में से आप लोगों को आए, ताकि आप लोग अच्छे से तैयारी कर सके। वीडियो पसंद आए तो थम्स अप करना मत भूलिएगा। मुझे तो मुझे इजाजत दें फिलहाल के लिए, मैं दोबारा आऊंगी नेक्स्ट पेपर में आप लोगों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने के बाद।